एक दिन ऐसा ही मम्मी हमारा बोली कि मेरे छाती में थोड़ा गांठ आया हुआ है, तो हमने देखा तो हम लोग को कुछ मालूम, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास गया तो हम लोग लोग डॉक्टर देख के ही बोले कि ऐसा ऐसा ये है बीमारी। तो हम लोग टेंशन में थे कि क्या करना है। तो मेरा भाभी सेंट जॉर्ज में नर्स है, उनके स्टाफ में यहाँ से ट्रीटमेंट लिया था, ये लोग हम लोग को बोले कि यहाँ से ले लो ट्रीटमेंट। तो हम लोग डॉक्टर के पास आ गए और डॉक्टर के यहाँ ट्रीटमेंट ले लिया। तो फुल टेंशन में थे सर, पर जो डॉक्टर्स मिले हम लोग को एक भगवान की तरह हम लोग को मिल गए, और हमारा खुशी है कि सेटिस्फाइड है कि हमको ट्रीटमेंट मिला यहाँ पे। कुसुम बरवे जी का ना बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। म्यूसिनस और कोलोइड कार्सिनोमा ब्रेस्ट से शुरू हुआ, लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस, थायराइड में मेटास्टेसिस, और फिर उसके बाद लंग में मेटास्टेसिस अगस्त 2021 में डायग्नोज हुआ। मजे की बात ये थी कि इनका अकेला कोलोइड ट्यूमर नहीं था, इसके साथ साथ इनका सेकंड प्राइमरी गैस्ट्रिक ट्यूमर भी था, मतलब स्टमक में भी, प्राइमरी ब्रेस्ट में भी था एंड सेकंड प्राइमरी स्टमक में भी था। जब ये हमारे पास आए थे तो देवर एक्सट्रीम ब्रेथलेसनेस, डॉक्टर्स ने जो भी ट्रीटमेंट दे सजेस्टेड सर्टन प्रोटोकॉल, इन लोगों ने कीमो नहीं कराई, इन लोगों ने कोई और ट्रीटमेंट नहीं कराया, दे चोज कैंसर हीलर सेंटर की थेरेपी। एंड जब हमारा ट्रीटमेंट चला सिंस अगस्त 2021, आज 17 महीने हो चुके हैं, एंड 17 महीने में आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज बॉम्बे आया हूँ एंड बॉम्बे में इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। सो जब इन्होंने हम पे भरोसा किया तब इन्होंने कीमोथेरेपी के ऊपर हमारा भरोसा किया, एंड आज मुझे ये खुशी हो रही है कि जो लोग हम पे भरोसा करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसका मैं हाथ पकड़ता हूँ छोड़ता नहीं हूँ, एंड चाहे वो कुछ भी सिचुएशन में क्यों ना रहे हम हाथ नहीं छोड़ते, वो नहीं छोड़ते कि जिसमें एक मरीज़ को लगे कि नहीं अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कुछ करने को, और इनका भरोसा टूटने नहीं दिया हमने। और जब मैं आज इनका वो देख रहा हूँ तो देर इज़ एन एक्सटेंसिव इम्प्रूवमेंट। और हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है, ये वर्ल्ड का अकेला ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें इस तरीके का ऐसा फॉलोअप शीट ली जाती है जहाँ पर लिखा जाता है क्या मरीज़ को कई टेस्ट हुए हैं, क्या दवा लेने के बाद मरीज़ की सेहत में कुछ सुधार दिखा है, हाँ या नहीं। अगर ये आपने मेरे यहाँ 3 बार नो पे टिक कर दिया, मैं चौथी बार आपको दवा नहीं देता। और ये ऑल ओवर इंडिया, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, चैलेंज के साथ, कोई सेंटर ऐसा नहीं है, कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो इस तरीके से एवरी फॉलोअप ट्रैक करे, हर एक फॉलोअप ट्रैक करे। वी विजिट, वी ट्रैक ईच एंड एवरी फॉलोअप ऑफ द पेशेंट ताकि हम ये जजमेंट कर सकें हाउ इज द पेशेंट इम्प्रूविंग। एंड क्यों हम ट्रैक करते हैं, बिकॉज वी ट्रीट विद पैशन, पेशेंट्स आर फैमिली टू अस। हमारा एक एक्रोनिम होता है जो हर किसी की शर्ट पे लिखा होगा, PAF, पेशेंट्स आर फैमिली। शायद इसी वजह से हमारे इतना 500% दे पाते हैं, इट इज़ नॉट 100%, इट इज़ नॉट 200%, इट इज़ 500%। और उसका रिजल्ट है ये, उसका रिजल्ट है ये कि आज 17 महीने बाद जिस पेशेंट को ऑलमोस्ट फॉरगेट अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ, फॉरगेट अबाउट लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी तो आई आई, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो आई आई, क्योर हो गया, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई, तो ये मुझे बड़ी खुशी होती है। और ऐसे ही मैं जब जब हर सेंटर में जब भी विजिट करता हूँ, ऐसे एक नहीं सैकड़ों केसेस हैं जो आते रहते हैं और वो दिल से बताते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई और हम बस केवल डॉक्टर साहब से मिलने आए हैं, शक्ल देखने आए हैं। तो तब मुझे लगता है कि मैं जो जिस जिंदगी के जिस पर्पस पे जुड़ा हुआ हूँ कि भाई हर एक मरीज कैंसर का ठीक हो और तड़पे ना और ज़िंदगी खुशहाली के साथ जिए, क्योंकि जब आप एक मरीज़ को बचाते हो पूरा परिवार बचाते हो, तो वो पर्पस मुझे लगता है कि वो पर्पस सफल हो जाता है।